हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक पीयूष प्रवाह का लेसन नंबर 6, जो कि जीवन चरित है राजस्थान के गौरव लेसन है, जिसमें राजस्थान के विशिष्ट जनों अर्थात विशेष अवतारों का इसमें लेसन में वर्णन किया गया है। तो संकलित है ये लेसन और किस प्रकार से राजस्थान की भूमि के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में वर्णन किया गया है। जैसा कि राजस्थान की भूमि वीर प्रस्विनी भूमि है, वीरों को जन्म देने वाली भूमि है, उसका इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है। और राजस्थान के गौरव के दौरान हमने सबसे पहले पढ़ा था देवनारायण जी को, जो कि बगड़ावत कुल के थे, नागवंशीय गुर्जर, और उनके व्यक्तित्व के बारे में हमने पढ़ा किस प्रकार उन्होंने एक राजा के अत्याचारों से, जो कि दुर्जन साल नाम का अत्याचारी शासक था, उसके अत्याचारों से किस प्रकार से लोगों को राहत दिलवाई और किस प्रकार से उन्होंने नीम और गोबर के महत्व को समझाया, किस प्रकार इसको दैनिक जीवन में हमें प्रयोग करना है, इन सब चीज़ों का वर्णन किया था। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के गौरव के अंतर्गत बाबा रामदेव को। जैसा कि सभी इस नाम से भली भांति परिचित हैं और वर्तमान समय यानी कि अब बाबा रामदेव का मेला भी चल रहा है, कल की ही डेट में उनका मेला भरा हुआ था, अब तो कोरोना की वजह से इस मेले पे रोक लगी हुई है, नहीं तो हर वर्ष बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो इस मेले में विभिन्न माध्यमों से, कोई अपने साधनों से, कोई पैदल चलकर, तो कोई किसी प्रकार से बाबा रामदेव के धार्मिक स्थल, प्रमुख स्थल रामदेवरा रुणेचा में पहुँचते हैं और अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं वहाँ जाके। तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र का एक नगर पोकरण, जो आज परमाणु विस्फोट स्थल के रूप में संसार के मानचित्र पर उभरा है, यानी कि भारत ने जितने भी परमाणु परीक्षण किए हैं तो उसमें से उन परमाणु परीक्षणों के लिए राजस्थान का एक नगर जो पोकरण है उसको चुना गया और वहीं पे वो परमाणु विस्फोट किए अर्थात उनका परमाणु परीक्षण वहाँ किया। तो यह स्थल आज संसार के मानचित्र पर उभरा है, यानी कि पूरा संसार इस नगर को, इस क्षेत्र को परमाणु नगरी के नाम से भी जानता है, क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार के परमाणु परीक्षण भारत ने अपने किए और विश्व के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। इसी नगर के समीप आज से लगभग 653 वर्ष पूर्व
कितने वर्ष, लगभग 653 वर्ष पूर्व विक्रमी संवत 1409 में भाद्रपद शुक्ला द्वितीय को, यानी कि भाद्रपद महीना है हिंदी महीनों के अनुसार ये छठा महीना चैत्र, वैसाख, जैसठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आशीवन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, ये 12 महीने हैं हिंदी महीनों के अनुसार। तो उसमें भाद्रपद महीने की बात करता है। संवत विक्रमी संवत 1409 में भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया को, दूज को, रुणीचा के तंवरवंशीय ठाकुर अजमल जी व माता मैणादे के घर रामदेव अवतरित हुए, अर्थात उन्होंने जन्म लिया, अवतार लिया शैशवावस्था में ही। शैशवावस्था यानी कि बिल्कुल बचपन की अवस्था में ही। मारवाड़ी कहावत, एक प्रसिद्ध मारवाड़ी कहावत है, पुत्रा पग पालने दिखे, यानी कि जो सुपुत्र होता है उसका पालने में अर्थात झूले में ही पता चल जाता है कि वो किस प्रकार का होगा। इस कहावत को चरितार्थ करते हुए उफनते दूध को नीचे रख माँ मैणादे को चमत्कार दिखाया, यानी कि दूध उफन रहा था चूल्हे पे चढ़ा हुआ, तो उसने बाबा रामदेव ने अपनी देवीय शक्ति के बल पे उस उफनते हुए दूध को नीचे उतार दिया और अपनी माँ मैणादे को चमत्कार दिखाया, अर्थात पुत्रा पग पालने दिखे, तो सुपुत्र था वो और उसके जो लक्षण थे वो पालने में अर्थात झूले में ही दिखाई देने लग गए थे। आगे है, कुछ बड़े होते ही गुरु बालकनाथ से शिक्षा लेना प्रारंभ किया, यानी कि थोड़े से बड़े हुए तो इन्होंने अपना गुरु बनाया बाबा बालकनाथ को, तो बालकनाथ से इन्होंने शिक्षा दीक्षा लेना शुरू किया, प्रारंभ किया, और इन्होंने उनसे इतिहास, धर्म, दर्शन के साथ साथ अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा भी प्राप्त की। इतिहास इसके साथ साथ इन्होंने इतिहास, धर्म, दर्शन के साथ साथ अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा भी प्राप्त की, यानी कि धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ इन्होंने युद्ध से संबंधित, यानी कि अस्त्रों शस्त्रों से संबंधित शिक्षा भी प्राप्त की, यानी कि साधु होने, सज्जन होने के साथ साथ ये एक वीर योद्धा भी बने। किशोरावस्था में ही, यानी कि युवावस्था में ही बचपन की अवस्था में ही पोकरण के पास के कस्बे साथलमेर, पोकरण के पास ये कस्बा है, एक छोटा सा क्षेत्र है जिसको साथलमेर के नाम से जानते हैं, उसमें एक भैरव नाम का तांत्रिक था जो लोगों को बहुत ज़्यादा तंग परेशान करता था, तो उस तांत्रिक को मारकर संपूर्ण क्षेत्र को उसके आतंक से मुक्त करवाया, अर्थात उसको भैरव तांत्रिक को मारा और अपने क्षेत्र में, उस साथलमेर क्षेत्र में क्या की, शांति की स्थापना की इन्होंने। आगे है, अब रामदेव ने परिस्थितियों को पहचान कर लोक कल्याण में ही, इस संसार के कल्याण के लिए ही अपना जीवन खपाने का संकल्प लिया, अर्थात उन्होंने अपने जीवन का एक ही उद्देश्य बनाया कि इस संसार की भलाई की जाए, लोक कल्याण किया जाए, तो ऐसा उन्होंने दृढ़ निश्चय किया। राजपूत जाति के होने पर भी उन्होंने दलितों से संपर्क बढ़ाया, तो जाति से ये राजपूत थे जो अपने पढ़ा था ऊपर, तंवरवंशीय राजपूत थे, तो राजपूत जाति के होने पर भी उन्होंने दलितों से, यानी कि जो निम्न वर्ग के लोग थे उनसे संपर्क बढ़ाया, उनसे तालमेल बढ़ाया अपना, तथा जम्मा जागरण आंदोलन के माध्यम से उन्हें जागृत कर अच्छाइयों की ओर प्रवृत्त किया।
बढ़ाया। और जमा जागरण की यानी कि जो जागरण वगैरह लगाते हैं तो इसकी परंपरा बाबा रामदेव द्वारा ही चलाई गई है। तो जमा जागरण आंदोलन के माध्यम से उन्हें जागृत कर अच्छाइयों की ओर प्रवृत्त किया, अर्थात उनके समाज में सुधार लेके आए। ये जमा जागरण का यह पुनीत यानी कि पवित्र कार्य मेघवाल जाति के द्वारा ही किया जाता था। से समाज उनकी वाणी का श्रवण किया करता था, यानी कि जो जमा जागरण की जो प्रथा थी ये पुनीत कार्य पवित्र कार्य दलित समाज में एक जाति है मेघवाल, उसी जाति के द्वारा किया जाता था, यानी कि मेघवाल जाति के द्वारा ही जमा जागरण लगाया जाता था। और शेष समाज और जो शेष समाज था वो इनकी वाणी को क्या करता, श्रवण करता था या सुनता था। आगे है समाज के पिछड़े बंधुओं, जो समाज के पिछड़े भाई थे, लोग थे, जन थे, के प्रति रामदेव जी का अंतःकरण करुणा व परोपकार से ओतप्रोत था। तो जो समाज में पिछड़े हुए लोग थे उनके प्रति रामदेव जी का अंतःकरण, यानी कि रामदेव जी बड़े ही मन से करुणा दया व परोपकार, दूसरों का भलाई करने वाला, दूसरों की भलाई करना से ओतप्रोत थे। उन्होंने मेघवाल जाति की कन्या डालीबाई को अपनी धर्म बहन बनाया। तो इन्होंने इस समाज को ऊंचा उठाने के लिए एक मेघवाल जाति की कन्या थी डालीबाई, उसको अपनी धर्म बहन बनाया तथा पिछड़ी बस्ती में हैजा फैल जाने पर अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर उनकी सेवा और चिकित्सा हेतु दौड़ पड़े। तो कन्या जो मेघवाल जाति की थी डालीबाई को इन्होंने अपनी धर्म बहन बनाया। और आज भी हम जब रामदेवरा जाते हैं तो रामदेव से पहले, बाबा रामदेव से पहले डालीबाई की पूजा होती है। और ऐसी मान्यता भी है कि अगर डालीबाई पे आपने शीश नहीं नवाया, माथा नहीं टेका, तो रामदेवरा आने का आपका कोई औचित्य नहीं रह जाता, ऐसी मान्यता है। आगे है रामदेव जी स्वयं सिद्ध योगी व वैदिकीय चिकित्सा में पारंगत थे, इस कारण विकलांगता जैसी बीमारियों में उन्होंने लोगों की चमत्कारिक सहायता की। वैदिकीय चिकित्सा में यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में, और वो भी वैदिकीय चिकित्सा में बहुत ही एक्सपर्ट थे, पारंगत थे, बड़े अनुभवी थे, इस कारण विकलांगता जैसी बीमारियों को भी उन्होंने लोगों की सही की, इसके बारे में उन्होंने चमत्कारिक कार्य किए, अर्थात लोगों की सहायता की। कुष्ठ रोग जिसको कोढ़ भी कहते हैं, हैजा आदि में उनकी चिकित्सा रामबाण थी, यानी कि इन सब बीमारियों को भी उन्होंने दूर करने में वो पारंगत थे। इसी कारण वे पीड़ितों को रोगमुक्त कर चमत्कार दिखा सके, इसी प्रकार उन्होंने जो पीड़ित थे उनको रोगों से मुक्त किया, उस रोगों से छुटकारा दिलाया और अपने चमत्कार दिखाए। उनके चमत्कार पर्चों के रूप में विख्यात हैं, उनके जो पर्चे हैं वो, उनके जो चमत्कार हैं पर्चों के रूप में विख्यात हैं, यानी कि जो वो चमत्कार दिखाते थे बाबा रामदेव, तो उनके चमत्कारों को पर्चे कहा जाता था और पर्चों के रूप में ही विख्यात हैं। विख्यात का मतलब है प्रसिद्ध होना, तो यानी कि वो जिन लोगों को सही करते थे, जो कोढ़ रोग से, हैजा रोग से या विभिन्न रोगों से मुक्त होते थे, तो लोग उनको ये बाबा रामदेव का पर्चा हुआ है इस प्रकार की संज्ञा से विभूषित करते थे। लखी बंजारे की मिश्री को नमक बनाना, ये भी एक इनके अन्य पर्चे हैं जो हम इतिहास के दौरान पढ़ते हैं, बाबा रामदेव की जीवनी के दौरान पढ़ते हैं, जैसा कि आप अपनी पुस्तक में भी पढ़ रहे हो। लखी बंजारे की
मिश्री को नमक बनाना, तो लक्खी बंजारा जो कि एक ठग था, वो इधर उधर से ठगी वगैरह करता था, हेरा फेरी करने का काम करता था, तो बाबा रामदेव ने उसकी मिश्री को नमक बना दिया था। और फिर लक्खी बंजारा बाबा रामदेव के चरणों में आ गिरा और उनसे माफ़ी मांगी। पांच पीरों के कटोरे मक्का से पल भर में लाकर उनके सामने रखना, तो पांच पीर थे, मुसलमान थे, जो इनकी परीक्षा लेने के प्रयास में थे, तो इन्होंने परीक्षा दी भी और उनके पांच कटोरे थे पीरों के, उनको उन्होंने मक्का से, जो मक्का मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है, वहाँ से पल भर में लाकर उनके सामने रख दिए थे, उनको भी चमत्कार दिखाया। नेतलदे की पंगुता को दूर करना, नेतलदे उस वो भी पंगु थी, उसकी पंगुता को उसको दूर करना। सारथी को तथा अपनी बहन सुगना के पुत्र को जीवित करना उनके प्रमुख पर्चे थे। तो ये इनके प्रमुख पर्चे थे, कौन कौन से हैं जो चमत्कार हैं, जो पर्चों के नाम से प्रसिद्ध हैं, पर्चों के रूप में विख्यात हैं, किस प्रकार से लक्खी बंजारे की मिश्री को नमक बनाना, पांच पीरों के कटोरे मक्का से पल भर में भर के उनके सामने रखना, नेतलदे की पंगुता को दूर करना, सारथी को तथा अपनी बहन सुगना के पुत्र को जीवित करना, ये उनके प्रमुख पर्चे रहे हैं। अर्थात इस प्रकार के उन्होंने सामाजिक सुधार के कार्य किए, अर्थात लोगों को अपना बल दिखाकर लोगों को, अर्थात समाज में सुधार लाने के इन्होंने अच्छे प्रयास किए, और जिसमें ये क्या हुए, सफल भी हुए। मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है, ये बाबा रामदेव के जीवन के अंतिम पड़ाव के वाक्य थे, कथन थे, कि मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है, यानी कि मैं जिस उद्देश्य से, जिस वजह से इस जमीन पे मैंने जन्म लिया, इस भूमि पे मैं अवतरित हुआ, जो मेरा उद्देश्य था वो आज क्या हो गया, पूर्ण हो गया, अर्थात पूरा हो गया है। ऐसा मान उन्होंने अपनी जीवन लीला 33 वर्ष की आयु में ही समेट ली, तो ऐसा उन्होंने माना, यानी कि जब इस धरती पे अवतरित हुए, बचपन से ही उन्होंने लोगों को चमत्कार दिखाने शुरू किए, लोगों को विभिन्न रोगों से मुक्त किया, किस प्रकार भैरव तांत्रिक के आतंक से भी मुक्त कराया, अर्थात जिस उद्देश्य से उन्होंने इस धरती पे जन्म लिया वह उद्देश्य उनका बहुत जल्दी पूर्ण हो गया, और ऐसा मानकर उन्होंने 33 वर्ष की आयु में ही अपने जीवन लीला समेट ली, अर्थात 33 वर्ष की आयु में ही वो इस संसार सागर से विदा हो गए। भादवां सुदी दसवीं भाद्रपद पक्ष की दसवीं को, जो कि विक्रमी संवत 1442 के दिन उन्होंने समाधि ले ली, जीवित ही समाधि ले ली थी उन्होंने, ऐसा माना जाता है। आज उसी समाधि पर प्रतिवर्ष एक विशाल मेला लगता है, एक बहुत बड़ा मेले का आयोजन होता है, जिसमें प्रतिदिन लाखों जातरू का मतलब है यात्री, दर्शन के अर्थ हेतु आते हैं, और उनके संबंधित गीत भी गाते हैं, और वो गीत हैं घनी घनी खम्मा हो अजमाल जीरे लाल ने, तो घनी घनी खम्मा अजमाल जीरे लाल ने, इस प्रकार से वो अजमाल जी के लाल अर्थात बाबा रामदेव को बहुत बहुत बधाइयां देते हैं, और उनके पवित्र स्थल रुणेचा धाम में प्रतिवर्ष
भादवा सुदी में भाद्रपद के महीने में वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ उस समाधि के दर्शन करके अपने आप को धन्य समझते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, बाकी आगे है संत जम्बेश्वर जो विश्नोई कुल के इष्ट देव हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कल। तो आज इसमें से आपको बाबा रामदेव जी के बारे में वर्णन करना है, उनके प्रमुख पर्चों का, बाबा रामदेव के प्रमुख पर्चों का वर्णन और उनकी जन्म और मृत्यु से संबंधित तथ्य, ये दो प्रश्न आपको करने हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।